हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन में एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग आवेशन। हाँ, ये लेक्चर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, ठीक है। यहाँ बीच ऑब्जेक्टिव के साथ लेक्चर से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव भी इसमें है, ठीक है। अगर आप लोग इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इसका नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेशन के प्रकार, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग इसको बोलते हैं, मतलब तो चार्ज किस प्रकार किया जाता है। सो तो पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा, मतलब सिर्फ छुआ देंगे उसको, ठीक है, वो चार्ज हो जाएगा, उधर से आ जाओ उधर से। और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब उसके बगल में ले जाएंगे, छुएगा भी नहीं फिर भी वो चार्ज कर देगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, सब लोग एकदम ऊर्जा में हैं, एनर्जी में, तो पावर में भी आ जाइए। चलिए, सब लोगों का स्वागत है, वेलकम है, आइए। चलिए भाई साहब, तो स्टार्ट किया जाए। आज का क्लास है सबसे पहले घर्षण द्वारा जो है क्या करेंगे हम लोग, वस्तु को आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे। हम बता रहे थे ना भाई जी, सर आप लोगों के मन में क्वेश्चन रहता हो रहा होगा कि सर चार्ज जो होता है एक वस्तु से दूसरे, एक वस्तु पॉजिटिव चार्ज है कोई निगेटिव चार्ज है, तो कैसे पॉजिटिव चार्ज है कैसे निगेटिव चार्ज है, ये मन में प्रश्न जो है वो उठता रहता था क्या। लेकिन आज के बाद नहीं उठेगा, आज मालूम चल जाएगा कि जो चार्ज तो पढ़े थे टाइप्स ऑफ चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब पढ़ लिए थे क्या, पढ़े थे ना। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या किया जाता है कि दो अनावेशित, अनावेशित मतलब है अनचार्ज, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन, दो उदासीन वस्तु को हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे, दोनों क्या करेंगे, रगड़ने के बाद क्या होगा कि एक बॉडी पर से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाएगा, कूद के चला जाएगा। तो जिस पर से चला जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर चला जाएगा वो निगेटिव चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में यही है कि दो वस्तु को घस करके रगड़ करके क्या किया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आया। अब कहिएगा सर कि दोनों तो पहले क्या था, न्यूट्रल था, अब दोनों जो है दोनों पर आवेश आ गया है, तो आवेश कैसा आया, उसका नेचर कैसा है, सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है, क्योंकि एक पर प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज। सर उसका जो परिमाण है वो बताइए सर, उसका परिमाण है वो क्या है, मतलब बराबर है कि डिफरेंट है, मतलब भिन्न, डिफरेंट कैसे होगा परिमाण, मतलब दिशा और परिमाण पढ़ा है, परिमाण का मतलब क्या, बकलोल कहीं का साफ एकदम। देख पहला चैप्टर में परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड अब परिमाण मतलब वैल्यू हो सकते हैं, वैल्यू मैग्नीट्यूड अगर नहीं आ रहे तो वैल्यू बोलिए क्या। हाँ चलिए, हिंदियों में जरूरी है बोलना क्योंकि भाई हिंदियों के छात्र बैठे हुए हैं, अब सुनिए ध्यान दीजिए क्या है। अरे तो उस पर जो मैग्नीट्यूड होगा ना दोनों वस्तु पर वो समान होगा, क्योंकि इस पर अगर एक वो पॉजिटिव है, इस पर एक वो निगेटिव होगा, ठीक है, लेकिन नेचर में क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जो नेचर होंगे वस्तु के क्या होंगे, अपोजिट, कोई दिक्कत। कहेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में मतलब फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से वस्तु को आवेशित किया गया ना, चार्ज किया गया, तो बताइए उस पर जो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा कि अपोजिट होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा, क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड समान हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, परिमाण, परिमाण जो मोड में होता है, तो इस पर प्लस एक, इस पर माइनस एक, एक के बना है, मोड लगा हुआ है, वैल्यू बाय एक के हुआ, तो दोनों पर समान है, लेकिन नेचर में, नेचर मतलब एक पर धन आवेश एक पर नेचर में क्या है वो अपोजिट है। हाँ, तो इसको शुरू किया जाए, देखिए मान लेते हैं एक वस्तु, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं, इसी में कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें ही बताएंगे आपको, टेंशन होती है। एक वस्तु है जो न्यूट्रल है, अच्छा न्यूट्रल कहने का मतलब ये उदासीन, उदासीन मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं, और इस पर कोई चार्ज नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि इसमें मतलब आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन आवेश नहीं,
जितना इस पे धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, मतलब जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसके अंदर प्रोटॉन है, तब जो है ये न्यूट्रल है। बात क्या समझ में आया क्या? परमाणु के अंदर क्या होते हैं सो बताइए, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब परमाणु के कक्षा बाहर तो कक्षा में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत घुसेगा इस चैप्टर में, अब फिजिक्स में हर जगह केमिस्ट्री का मतलब जो है वो आएगा ही आएगा, ठीक है याद रखिएगा, बहुत जगह केमिस्ट्री आता है फिजिक्स में, ऐसे में ज्यादा आएगा। तो भाई साहब एक वस्तु है जो कैसा है, गोल नहीं है, न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल है। और दूसरा है वो और वस्तु है जो न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं, चार्ज है, लेकिन जितना में पॉजिटिव है ना उतना ही निगेटिव है, इसलिए ये न्यूट्रल है। जितना इसमें पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, इसलिए ये न्यूट्रल है, कोई दिक्कत इसमें? अब इसको हम क्या करते हैं, रबर बांधते हैं इसको, दोनों वस्तु को क्या किया गया, रबर दिया गया, ठीक है। अब रगड़ने के बाद अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस एक पे आ जाएगा धन आवेश, एक पे आ जाएगा ऋण आवेश, एक पे धन आवेश आ जाएगा, एक पे क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है समझे। तो ये जो नेचर में हुआ अपोजिट, क्योंकि एक पर धन आवेश एक पे ऋण आवेश। अब कहिएगा सर अभी अभी तो प्रश्न नहीं उठेगा मन में, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो डालेंगे उसमें मन में प्रश्न उठेगा, तो प्रश्न कीजिएगा आप, सुनिए इस पे पढ़ते हैं, इसमें देखिए, इसमें जो लिखेंगे नेचर में, नेचर मतलब प्रकृति में क्या होगा, अपोजिट होगा, क्या होगा अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत, क्या होगा विपरीत, क्योंकि एक पर धन आवेश एक पे ऋण आवेश, इसीलिए क्या होगा ये अपोजिट होगा। अब मैग्नीट्यूड जो इसका होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा यानी कि क्या बोलते उसको, परिमाण, परिमाण जो होगा वो क्या होगा, समान होगा, क्योंकि अगर इस वस्तु पर क्या कौन सा आवेश है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, निगेटिव चार्ज, तो नेचर में अपोजिट है, नेचर में पहले दोनों वस्तु कैसा था, न्यूट्रल था, कैसा था, न्यूट्रल था, ठीक है। अब दोनों वस्तु आवेशित है लेकिन दोनों पे अपोजिट चार्ज है, तो दोनों अपोजिट नेचर के हैं, विपरीत प्रकृति के दोनों हैं, कैसे हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड में जो है, वैल्यू में जो है वो समान है। देख रहे हैं क्लास इतना देर से बंद था, कोई फोन नहीं किया था, हाँ तो मैग्नीट्यूड में क्या है मेरे भाई, मैग्नीट्यूड में समान, अगर इस पर एक एक अगर प्लस चार्ज है तो इस पे एक माइनस चार्ज होगा, इस पे दो प्लस चार्ज है प्लस दो तो इस पे माइनस में दो चार्ज होगा, ठीक है। दोनों में समान है, वैल्यू वाइज समान है, मैग्नीट्यूड का मतलब मोड, तो मोड में प्लस लिए चाहे माइनस लिए, बात तो बराबर, मोड लगाएंगे तो प्लस लिए जो बाहर प्लस से निकलेगा, माइनस लीजिएगा तो बाहर माइनस से निकलेगा, प्लस से निकलेगा, बस समझना है, कोई दिक्कत। जैसे वो फ्रिज एग्जाम्पल में, फ्रिज 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 में अगर पानी रखवा तो ये बर्फे दी कि होता ना उसमें जगह, अब बर्फ रखवा तो ये बर्फे दी का, तो पॉजिटिव रखिएगा तो मोड पॉजिटिव देगा बाहर, और नेगेटिव रखिएगा तो ये पॉजिटिव देगा बाहर, बात समझ में आया हम क्या बोले, सो नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, सुनिए। तो भाई साहब ये याद रहेगा क्या, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। अब एक इसमें आता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम सिल्क क्लोथ को, किसको, सिल्क क्लोथ को हम रब्ड करते हैं, किस रब्ड करते हैं, क्या करते हैं, रॉड मतलब रगड़ते हैं, किसके साथ, ग्लास रॉड के साथ, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ को रबड़ करते हैं किसके साथ, ग्लास रॉड के साथ, तब क्या होगा, एक आपका है ये सिल्क क्लॉथ, सॉरी ग्लास का रॉड, रॉड है ये, और एक आपका है ये क्या है, सिल्क क्लोथ, ठीक है, ये रॉड हो गया और ये आपका सिल्क का क्लोथ हो गया। अब रगड़ने से सुनो भाई मेरा ध्यान से, रगड़ेंगे रॉड को ग्लास रॉड को सिल्क के क्लोथ से, तो इसमें क्या होगा कि रॉड पर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, सिल्क पे। अब बताइए कि कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव,
ई ग्लास जो हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और रॉड जो हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है क्या? क्या प्रश्न उठा बोलिए कि सर यही को इसी में से इलेक्ट्रॉन काहे इसमें गया, इसमें से काहे नहीं इलेक्ट्रॉन इसमें गया? दो रीजन है, एक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और एक है आयनाइजेशन एनर्जी। एक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एक है देखिए किसी भी तत्व में, यहां ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर तो प्रोटॉन होते हैं, बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहां है प्रोटॉन, बाहर क्या है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को आसानी से कौन खींच लेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? ज्यादा होगी। सर विद्युत ऋणात्मकता हमको नहीं समझ में आते, लेबे तुम का किए थे, सोए हुए थे, बकुलिया उधार देंगे, चैप्टर 3 में पढ़ाते हुए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी केमिस्ट्री में, समझे, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल था, उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ाए थे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिकल एंथैल्पी सब पढ़ाए हुए हैं। अरे अभी आपको ऑर्गेनिक में पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वहां पर रिएक्शन जब करवाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको बताया थे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इसको देखो, ये क्लोरीन है, ये आपका हाइड्रोजन है, इस पर कौन सा आवेश, ये दोनों क्या किया इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, अब इलेक्ट्रॉन कहते में रहेगा क्या, कहां चला जाएगा, क्लोरीन के तरफ खींचता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन दोनों यहां चले आएंगे, क्यों चले आएंगे, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से घींच कर ले आया क्लोरीन। तो अब हमको बताइए एगो बात कि इसमें ये काहे सिल्क जो है काहे एकरा से इलेक्ट्रॉन घींच के ले आया, इलेक्ट्रॉन घींच के ले आया काहे, क्योंकि सिल्क का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ना क्या है, ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता इसकी, इसको माइनस से प्रेम है, माइनस को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब सर कहिए कि सर एक और बताना दीजिए, जिसको बोले आयनाइजेशन एनर्जी, आयनिक विभव, आयनिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं, तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कमजोर है वो त्याग कर देता है, और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी खतरनाक है वो खींच कर ले आता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या, सब क्वेश्चन कराए हुए बकलोल सब कहीं का है, सब नाश कर दिया, भूलना नहीं, रिवीजन करके आइए, कल भी बता दे, कल वाला भी लेक्चर बता दे, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, पीछे वाला रिवीजन होना चाहिए, समझे, कहां गौरव भाई और सब ठीक है, कहां थे, ससुराल कह गए थे, ठीक है, बात समय में आया क्या, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, बाहर बाहर घूम रहा है, क्योंकि इसके काबू में नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये दूर दूर घूम रहा है, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एकदम पास बुला के रखा हुआ है, बांध करके रखा हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है अपने ओर, समझे, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आया, ये समझ में आया, तो सिल्क क्लोथ और ग्लास रॉड को रगड़ेंगे तो सिल्क पर निगेटिव, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव, कोई दिक्कत, एक और लेते हैं एग्जांपल, एक और ये बात समझ में आ रहा हो, क्यों ऐसा हुआ सो, अब नहीं सवाल पूछे कि ई का है नहीं, अगर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता तो ई खींच कर ले जाता इलेक्ट्रॉन को, रुक जाइए भाई, हाँ भाई, तो अब हम लोग लेंगे वूलन क्लोथ, क्या लेंगे, अच्छा कभी कभी जो है हम देखे थे कल थोड़ा एक वीडियो में कि कभी कभी हम डायरेक्ट लिखते लिखते हिया चलाते हैं तो देते हैं, तो आप लोग याद दिलाइएगा, ठीक है, बोलिएगा, वूलन क्लोथ को हम रगड़ते हैं, रब करते हैं,
किसके साथ रब करेंगे भाई? प्लास्टिक, प्लास्टिक डॉट ले लीजिए, चाहे एबोनाइट का रॉड ले लीजिए। किसको ले लीजिए? एबोनाइट का रॉड ले लीजिए, प्लास्टिक रॉड या एबोनाइट का रॉड। अब सुनिए, अब दोनों को हम रगड़ते हैं। अब इस ऊन ले कपड़े है, ऊनी कपड़ा, इसको ऊनी, अच्छा इसको रेशम हो गया। हिंदी वाला बोलना, अच्छा हिंदी वाला तो हम बोलता है मालूम होगा, इसलिए नहीं बोला। ठीक है, ये ऊनी कपड़ा हो गया, ये रेशम कपड़ा हो गया। सुन लीजिए बात, तो अब इसमें तनका हो जाएगा गड़बड़ी। गड़बड़ी क्या हो जाएगा? इसमें जो है प्लास्टिक का रॉड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। किससे? वूलन क्लोथ से। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें इसमें जो है क्लोथ में से कूद के कहां चलाएगा? दूसरा पेन, क्लोथ में से कूद के कहां चलाएगा? तो मतलब जो प्लास्टिक रॉड है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। ई हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ये दो क्वेश्चन बोर्ड में, दो में से एक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, समझे? देखो लिखा ना बिहार बोर्ड 2025। हाँ, उसकी तैयारी हो रहा है हम लोगों को। लोहा के साथ, लोहा पर से चलाएगा। हाँ, क्योंकि इसकी उसकी इलेक्ट्रॉनिकिटी कम है लोहा की, सिल्क से वहां से चले आएगी। लेकिन अभी तक के जो फेमस एग्जांपल है लोहा हुआ नहीं है। जो क्वेश्चन अभी तक बार बार पूछा जा रहा है, यही दो प्रश्न पूछा जा रहा है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत बढ़ा जाए। अब इतना प्रश्न नहीं रहेगा मन में कोई, तो अगर इससे पूछ दीजिएगा कि सिल्क को अगर हम ग्लास रोड से रगड़ते हैं तो ग्लास रोड पर से इलेक्ट्रॉन कूद के चलाएगा सिल्क पे, या सीधे पूछे कौन चार्ज है, दोनों पर कौन चार्ज आ जाएगा? सिल्क पर कौन चार्ज आएगा? तो निगेटिव चार्ज। तो कैसे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिल्क का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है रगड़ने के बाद। चले भाई साहब, आइए अगला है चालन द्वारा, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय। हाँ देखिए, चालन के द्वारा इसमें जो है रगड़ना नहीं, इसमें ले जाना है एक वस्तु को और छुआ देना। अच्छा एक चीज और, एक बार और, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में नेचर कैसा था? नेचर अपोजिट था। आप लोग बोलिए भाई, नेचर अपोजिट था। अच्छा इसमें भूकंप हो रहा है कि हो रहा है? अरे ओहो, मिसिंग था। चलिए कोई बात नहीं, वहां फिक्स नहीं किए थे तो लाइट का मतलब थोड़ा कम बेस हो रहा होगा उसमें से, नहीं ध्यान दिया था आप लोग। चल देखिए, तो इसमें क्या किया आता है, हम लोग कहाँ थे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। तो फ्रिक्शन में जो है दोनों वस्तु न्यूट्रल लेंगे, उदासीन लेंगे, और घसने के बाद दोनों पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? अपोजिट, लेकिन मैग्नेट्यूड वाइज सेम। और इसमें जो है हम एक बॉडी न्यूट्रल लेंगे और एक बॉडी चार्ज लेंगे, एक आवेशित वस्तु लेंगे और एक उदासीन वस्तु लेंगे। एक उदासीन वस्तु कहीं रखा रहेगा, आवेशित वस्तु को हम उसके जगह ले जाएंगे और उसको छुआएंगे और उसको क्या कर देगा? चार्ज कर देगा। अब इसमें सर, इसमें नेचर जो होगा वो कैसा होगा? सेम नेचर के होंगे। क्या होंगे? सेम। पूछेगा कि जो किस टाइप के क्या बोलते हैं, किस टाइप के जो है चार्जिंग में ना, मेथड ऑफ चार्जिंग में, आवेशन में जो है वो दोनों वस्तु पे क्या होंगे? समान चार्ज रहेंगे, नेचर समान रहेंगे। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें समान अब क्या हो जाएंगे? नेचर में समान और मैग्नीट्यूड में भी समान, नेचर में समान और मैग्नीट्यूड में भी समान, यानी प्रकृति में दोनों समान होंगे। दोनों पर धनावेश हो जाएगा, और जितना इस पर धनावेश उतना ही इस पर भी धनावेश हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अब आइए करते हैं, समझाते हैं। एक यहाँ पे आपका न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल बॉडी का मतलब इस पे जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। एक हमने ले आया इसके पास क्या, प्लस आवेश वाला, यानी ये है आपका चार्ज बॉडी। क्या है ये चार्ज वस्तु है, ये क्या है? अनचार्ज। ये आपका आवेशित वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है। लिखना पड़ेगा क्या? ये न्यूट्रल है, ये क्या है? ये चार्ज है। क्या है? चार्ज है। अब इसको लेके आएंगे लॉग में और सटा देंगे,
क्या करेंगे इसको? अब इसको लेके आएंगे, इसको हम छुआ देंगे। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज 6 है, क्या गो? तो अब जब ई हटेगा, अब जब ई हटेगा तो ई रॉड पर जो हो जाएगा वो 3 पॉजिटिव चार्ज, क्या गो? 3 और 3 पॉजिटिव चार्ज किस हो जाएगा आपका? ये जो गोला वाला जो वस्तु है उस पे। कोई दिक्कत? अब सर हुआ कैसे सर? आज के चाहता हाई हाई होगा, बता देना। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाए थे ना, उसमें आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है रामलाल, नहीं कर सकते नहीं। अब जोड़ा में रहेगा, पॉजिटिव में अति में रहेगा, क्या कहता है उसको ना, ये क्या बोलते पेयर में रहेगा। अब देखिए ध्यान, ये कैसे हुआ सर, तन इसको बताइए ये हुआ कैसे। इसको तो हम तो समझ नहीं आ गया हमको, इतना हम रख लेंगे, रटने में हम बहुत महारथी हैं। क्या आप लोग कहिएगा, हम नहीं, आप लोग सर इसको बताइए कि हुआ कैसे। हम फ्रिक्शन वाला समझ गए सर, इसको भी हम जान गए। यहाँ पर जो आपने बताया हमने इसको मतलब मान लिया कि हाँ ठीक है। एक हम अनचार्ज बोल लेंगे, अरे बंद कर दो, एक हम चार्ज बोल लेंगे, यानी एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु लेंगे, ठीक है, एक अनावेशित और एक धनावेशित यानी आवेशित, एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी। तो इसको ले आएंगे, उसको छुआएंगे, उसमें रगड़ते थे, इसमें क्या करेंगे? छुआएंगे। अच्छा इसका डिफिनेशन नहीं पढ़े थे वो, डिफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। रगड़ने के बाद जनरेट करते हैं कि हीट उत्पन्न होता है, हीट, हाँ, हीट के कारण जब एक और बात हो जाती है कि हीट उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास, हीट उत्पन्न होने से इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आ जाएगा, और जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होगा वो कूद के भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन के। पास्टन श्रेणी, बार्मर श्रेणी सब पढ़े थे, लाइमन श्रेणी, और भाई साहब क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, हाँ, पास्टन बार्मर लाइमन श्रेणी, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन कूद जब एनर्जी ऊर्जा प्राप्त कर लेता था तो कूद के दूसरा में चला जाता था, और जब ऊर्जा घट जाता था कूद के फिर किसके पास? प्रोटोन के नजदीक चलाता था वो, ठीक है। तो वही घसने से क्या होगा, क्या होगा? हीट उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास, जिसके पास ज्यादा उष्मा आ जाएगा वो कूद के भाग जाएगा दूसरे में, ये वो रीजन हो सकता है। तो हमने कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विथ अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ हम रगड़ेंगे ना, द वर्क डन बाय अस गेट कन्वर्टेड इनटू हीट, तो दोनों में से कौन इस कार्य करने के बाद उष्मा उत्पन्न हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा? उष्मा उत्पन्न हो जाएगा, ड्यू टू विच जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, चला जाएगा फ्रॉम मतलब से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, एक वस्तु से ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीच द इलेक्ट्रॉन कम आउट इज पॉजिटिवली चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रॉन आया है ना, ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीच इलेक्ट्रॉन कम, जिस पर इलेक्ट्रॉन आया है पॉजिटिव चार्ज, अरे अरे जिस पर इलेक्ट्रॉन कम है उसको निगेटिव चार्ज ना होगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट बीच द इलेक्ट्रॉन मूव, जिस पर इलेक्ट्रॉन जिस पर से चला गया वो पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए अगर नहीं पढ़ते तो गड़बड़ा जाता, बच्चा लोग कमेंट में उलंग उलंग बात लिखता कि सर आता नहीं है, टाइपिंग में मिसिंग, हमने जो समझाया वो ठीक था कि क्या। तो किसी जब किसी वस्तु से वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उष्मा परिवर्तित होता है, जो कार्य हम करेंगे वो उष्मा परिवर्तित होगा, ठीक है। जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कौन होगा? धनावेशित, धन आवेशित, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऋणावेश, इसमें ठीक है, इसमें मिसिंग हो गया था। चलिए कोई दिक्कत, बढ़े आगे, ये डिफिनेशन हमने पढ़ दिया, इसमें डिफिनेशन पढ़ देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अब ये जो है आपका चालन द्वारा, कंडक्शन द्वारा, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम उसको लेके छुआ देंगे, तो जितना रॉड पे चार्ज रहेगा दूसरा वस्तु पे उतना ही वो न्यूट्रॉन को चार्ज कर देगा, यानी कि अगर अच्छा व्यक्ति के साथ रहिएगा तो अच्छा बन जाइएगा, और खराब व्यक्ति के साथ रहिएगा तो खराब बन जाइएगा। तो ये पॉजिटिव के साथ ही न्यूट्रल गया तो ये पॉजिटिव हो गया ना,
ये न्यूट्रल था, इसके पास कुछ नहीं था, ये गया, ये भी इसको भी पॉजिटिव कर दिया। तो सर कैसे पॉजिटिव कर दिया ये बताइए ना, तो आइए ना बताते पहले इसको कर लेते हैं। When a charged object is brought in contact with uncharged body, जब चार्ज ऑब्जेक्ट को, जब आवेशित वस्तु को ब्राउट मतलब ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का ब्राउट होता है भाव थ्री जो होता है वो लाना, लाए हैं कहां कॉन्टेक्ट किए हैं उसको सटा दिए हैं विथ अनचार्ज बॉडी से, विथ अनचार्ज ऑब्जेक्ट से अनावेशित या उदासीन वस्तु से उसको सटा दिए कॉन्टेक्ट करा दिए। रेसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब पुनः फिर क्या हुआ है, ऑफ चार्ज अकर्स एंड कंटिन्यूस Until both the object have the same charge, और जब तक वो सटा रहेगा एक दूसरे को चार्ज करता रहेगा कब तक, जब तक दोनों पर सेम चार्ज नहीं हो जाते। Until मतलब जब तक, कंटिन्यू लगातार चार्ज करता रहेगा जब तक दोनों पर समान आवेश नहीं हो जाते। अब कहिएगा कि सर एक पर जो तीन को कूद के ऊपर चढ़ गया होगा ये प्लस, ये ना कहिएगा, एक और बात कहिएगा सर आप तो कहे थे कि प्रोटॉन नहीं कूदता है तो गलती पर आ रहे हैं है? क्या बात को पहले समझिए, बात को समझिए कि सर प्लस चार्ज तो प्रोटॉन होता है, सर प्रोटॉन तो कूदता नहीं क्योंकि आपने बताया कि प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज्यादा होता है। सर प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही जाता है, इलेक्ट्रॉन ही आता है, प्रोटॉन तो जाता नहीं है। तो सर ये कैसे बता दिए, सर इस पर से इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर जाएंगे कैसे जाएंगे, तो नहीं सुनिए आइए अब बताते हैं। ये बात तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये बात तो समझ में आ गया डिफिनेशन। चलिए जब तक उस सटा रहेगा जब तक दोनों पे समान आवेश नहीं रहते, तो ये आपका है न्यूट्रल, ये आपका है कौन सा बॉडी, चार्ज बॉडी, इसमें छह गो ले लिए हैं, ये न्यूट्रल था, इस पे दोनों चीज था, जितना प्लस आवेश पूरा भरा हुआ है ना उतना ही माइनस आवेश पूरा भरा हुआ है एकदम कोच काच करके। अब इन गिने लग गया कि क्या वो प्लस का माइनस है, मतलब समझिए कि जितना प्लस उतना ही माइनस है। जब इसके बगल में आएगा इलेक्ट्रॉन बहुत भूखर होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत भूखर है जिसको हम बेवफा भी कहते हैं, ठीक है। अभी एक साथ दोस्ती बने ले, सुन रहे, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके साथ दोस्ती बने ले, ठीक है, न्यूट्रल है। और जैसे ही आएगा, जैसे ही ये आएगा, ये प्लस चार्ज वाला जैसे आया, अब इलेक्ट्रॉन एकरा कहता है किकरा, प्रोटॉन को, यहाँ पे इसमें के कहता है अब तुम अकेले रहो, हम जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, ये प्रोटॉन के पास, के पास, समझ रहे हैं। आ तोरे कोई दोस्त है कि तुम खर्चा पानी खूब कर रहा है, आ तोरा पैसा खत्म हो गया, आ कोई दूसरा आ गया खर्चा पानी करने वाला, पाची पाची है उसके पास बुलेट है कि, तब उकरा पास न चल जाएगा क्या, कि मान लीजिए बिकिया अमरेश दोस्त है, अब अंकित आ गया खूब बढ़िया से खर्चा उर्चा करता है तो अमरेश भाग जाएगा क्या, क्या हम जाते हैं उसके पास के, तो ये चीज है। तो बात को समझिए इस चीज को, तेरे ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या होगा जब दोनों को, जब इसके पास हम लेके आएंगे सटाएंगे, तो जितना माइनस का जो चार्ज है ना वो क्या होगा, कूद कूद करके इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। बात को तो नहीं समझिएगा, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो कूद कूद करके, मान लीजिए इसमें क्या वो पांच गोल प्रोटॉन थे, पांच नहीं सात गोल थे, और सात वो क्या थे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन। अब इस पे आए, इस पे एक दो तीन चार पांच छ, अब देखिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कूद के गया, एक इलेक्ट्रॉन कूद के गया तो इसमें का एगो का कहानी खत्म, और इसमें एगो प्लस चार्ज दिख गया क्योंकि पांच सात को जो सात को के साथ न्यूट्रल होल था, और तो छवे को इलेक्ट्रॉन बचा इसमें हो, प्रोटॉन तो सात को, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर इसमें चार्ज में आना पड़ेगा कि इस वस्तु को आवेशित कर देगा, ये एक प्रोटॉन से आवेशित हो गया, एक पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़ा भूखर होता है, बहुत बेवफा निकलता है, ठीक है, हाँ। तो समझिए इलेक्ट्रॉन कूद के यहां गया, अब एक कहानी खत्म,
क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन आई प्रोटॉन मिलकर भी न्यूट्रॉन हो गया। अब इस पर एक और, अब देखिए अब एक और कूद के यहां चलाया बाहर, एक और धनावेश मतलब दो बार धनावेश हो गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चला गया, एक प्रोटॉन खत्म कर दिया। अब एक भाई एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें से, तो एक प्रोटॉन तो बचेगा ना अकेला, तो एक फिर मतलब प्लस चार्ज यहां चलाया। अब दोनों पे इस पर भी तीन गो प्लस चार्ज, इस पर भी तीन गो प्लस चार्ज। अब जो है दोनों वस्तु हट जाएंगे दोनों अपने आप से, क्योंकि दोनों पे अब इस पर भी तीन गो पॉजिटिव, इस पर भी तीन गो पॉजिटिव, और ना ये खींचेगा ना ये खींचेगा कि अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और खींच लेता है तो फिर इलेक्ट्रॉन इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, जब तक दोनों पे समान आवेश अगर नहीं होगा तब तक जो है वो ठीक है वो बॉडी सटे हुए रहेंगे, ठीक है चार्ज करते रहेंगे। चलिए तो ये हो गया आपका, इस पे आ गया पर क्या वो तीन गो, इस पे भी आ गया क्या वो तीन गो धनावेश दोनों पर। तो भाई साहब चार्जिंग बाय कंडक्शन में नेचर बताएंगे, नेचर कैसा होता है इससे, चार्जिंग बाय कंडक्शन में मैग्नीट्यूड बताएंगे, मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाएंगे दोनों, ठीक है कोई दिक्कत, मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों सेम होते हैं। ठीक है कहानी खत्म, समझ में आया। अब एक और मजेदार बात है, मजेदार बात क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में देखिए फ्रिक्शन में क्या करते थे, खूब रगड़ते थे, कंडक्शन में सटाते थे छुआते थे, इंडक्शन में बगल में ले जाएंगे और ओकरा चार्ज कर देगा, ये बगल में ले जाएंगे उसको ही चार्ज कर देगा, न छुएगा न रगड़ेगा उसको चार्ज कर देगा। ठीक है हाँ, आप देखो ध्यान से यहां देखो क्या, जैसे मतलब यही रहता है कनखी से कहता है कि दोस्त चले गए कि तो बगले में यहां पर खड़ा है वहीं से उसको कि इशारा कर दिया कि वहां जाना है तो चला जाता। हमारे अलग सर कहते हैं कि कॉलेज अलग पढ़ने सर जानते हैं फिजिक्स के बहुत महारथी सर है, ठीक है हम भी एक समय उनके स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है तो वो कहते हैं कि आंखों ही आंखों में नैनाचार हो जाता है, तो वही बात है कि यहाँ पर एक बॉडी अलग रहेगा आए और एक बॉडी चार्ज रहेगा है। सुनो एक चार्ज वस्तु है एक अनचार्ज वस्तु है, चार्ज वस्तु आएगा और अनचार्ज को चार्ज करके चला जाएगा। ठीक है चार्ज करके चला जाएगा, आइए बताते हैं बात आपको। एक हम लेते आए चार्जिंग बाय कंडक्शन में भी क्या था, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी, तो इसमें भी हम लेते हैं एक अनचार्ज बॉडी था बॉडी है और एक कैसा है इसमें भी ले लेते हैं, क्या वो चार्ज लेते हैं छह ले लेते हैं कोई दिक्कत, चारों को ले सकते हैं पांचों को ले सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो सुन लीजिए हमारे बात है ना सुनिएगा, अब 15 ले सकते हैं। अमरेश का एगो सवाल का खत्म ना हो गया, अमरेश कह रहा था कि सर पांच को लेंगे तो ना होगा, होगा पांच को से भी चला गया यहाँ पर पांच को यहाँ पर पांच के, लेकिन अब सुनिए बात को समझिए, बात को समझिए पांच को लेंगे तो पांच बटा दो हो जाएगा। ठीक है अढ़ाई को इलेक्ट्रॉन अढ़ाई को चार्ज मैनेज नहीं करता, हाँ दोनों पर भले पांच पांच हो कर सकता है। ठीक है याद रखिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आइए अमरेश जी ये न्यूट्रल बॉडी है एकरा पास में हम ले आए इसको, अच्छा ये अब बात को समझिए, आप लोग किताब में देखते होंगे इसको जो है क्या किया होगा इंसुलेटर जो है इंसुलेटर से कनेक्ट करके जो है पृथ्वी से टच करा दिया होगा इसको। ठीक है हाँ ये बात समझिएगा बात को, अब ये प्लस चार्ज है इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज न होने का ये मतलब नहीं है क्या, कोई चार्ज होने का ये मतलब नहीं है कि इस पर कोई चार्ज नहीं, तो जितना इस पर प्लस चार्ज उतना ही जितना प्लस चार्ज उतना हाँ ये बात याद रखिएगा, सब एक दूसरे से न्यूट्रल है कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एकरा हम पास में लॉग में ले आए, सटाए भी नहीं है लॉग में ले आए हैं। अब जनवे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेवफा होता है, अब पढ़वे किए बतेवे किए और ना लालची होता है लालची। अब एकरा अब देखिए एकरा पास है स्कूटी है झड़कंडी क्या कहते हैं एच प्लस, हैदरा पास है न्यू बुलेट अपाची, अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन जो है सुनो कूद के इस पर नहीं आएगा, कूद के इस पे और ये क्या करेगा ये सब जो है यहां से इलेक्ट्रॉन कहे कि हम जा रहे हैं थोड़ा छोड़ छोड़ के, तो देखिए कैसे होगा सर हाँ अपाची वाला के साथ जा रहे हैं वो खिलाएगा बढ़िया से। हाँ अब आइए सुनिए,
अरे पहले सुन ध्यान दो, अब इधर सारा इलेक्ट्रॉन पहले इधर चले गए काट में, जितने इलेक्ट्रॉन थे ना सब इधर चले गए, और सब प्रोटॉन कहाँ आ गए इस साइड आ गए, जितने इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव चार्ज थे, क्योंकि पॉजिटिव को देख के नेगेटिव ना अट्रैक्ट होगा, हो पॉजिटिव को देख के नेगेटिव ही अट्रैक्ट होगा, आज जब नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव इधर चला गया साइड में, क्या कोई दिक्कत नहीं, बात को तो नहीं समझिए। अब सुनिए, अगर इसमें छह को पॉजिटिव चार्ज है तो छह को इलेक्ट्रॉन निकल के आओगे साइड में, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन छह को इलेक्ट्रॉन, अब ये प्रोटॉन बेचारा क्या करेगा, देखिए हुआ है एकदम सेकंडों में माइक्रो सेकंड में सब प्रवर्तन हुआ है, लेकिन हम समझा रहे हैं आप लोगों को, अब ये जब इलेक्ट्रॉन इधर गया है यहाँ पे क्या है प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इससे कनेक्ट कर रहा है कि आ जाओ हम दोनों जो है अब दोस्त हो जाएंगे, ये प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बुला रहा है कि आ जाओ हम दोनों दोस्त हो जाएंगे, लेकिन यहीं पे खड़ा है उसको लोभ दे रहा है, अब ये क्या किया है ये जो प्लस चार्ज है ये तब अब क्या करेगा, कुछों के साथ तो जरूर बॉन्ड बनाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं रहेगा, ये क्या किया है इस अब अर्थ अर्थ जो होता है आपको पता है क्या होता है, अर्थ जो था इलेक्ट्रॉन की उसको माता बोला जाता, इलेक्ट्रॉन का भंडार, इसको अर्थ से क्या करा दिया गया, इस वस्तु को कनेक्ट करा दिया गया, ये जो न्यूट्रल वस्तु है इसको अर्थ से हम कनेक्ट करा दिए, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के क्योंकि ये प्रोटॉन तो नहीं आएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए, यहां पे जितने इसमें प्लस चार्ज थे उतने इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, अब ये अपन मजे में आ गया, ठीक है, ये अब न्यूट्रल हो गया, अब ये फरार, अब ये हट गया चला गया, अब बेचारा कहां जाएगा, ये जो एकरा छोड़ के ओकरा पास गया था के बाहर नहीं निकला, अब इसी में है लेकिन उस तरफ चला गया, बॉडी पर है लेकिन उस तरफ चला गया हुआ, ठीक है, अब जाले उधर गया काले ही क्या किया, जब ये जो प्रोटॉन था ये पॉजिटिव चार्ज था अर्थ से कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉन को घींच करके ये अपने क्या हो गया, ये एक दो तीन चार पांच को पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए 200 को पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा, अब ई अब हुआ फरार के, क्योंकि ई कहा कि जब तुम उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा, इसने सोचा है, सुन याद रखना की बात हमेशा करिए, इसने सोचा अपाची बुलेट वाला कि जब इसको बोला कि जब तुम उसका नहीं हुआ इसका तो मेरा कैसे होगा, ठीक है, तो ये हो एकरा से दोस्ती नहीं किया ही फरार, अब ताले एन ए जो है ये क्या कर रहा, देखिए कंसेप्ट के साथ कुछ मतलब हंसी मजाक वाला बात होना चाहिए ताकि बात याद रह जाए, हाँ अब अमन और विक्की दूसरा बात सोच रहा है, हाँ सुन देख इधर है, ई पॉजिटिव चार्ज क्या किया अर्थ से कनेक्ट करके ये अपना न्यूट्रल हो गया, ठीक है, अब ई जब ये भाग गया तो दोबारा आया एकरा पास, अब ये कहता है तू जाओ हम तो बना लिए हम तो न्यूट्रल हो चुके हैं, हमने तो इलेक्ट्रॉन आ गया हम तो न्यूट्रल हो चुके हैं, तो मजबूरी में अस्ता पस्ता का ये जो है वो कहां आ जाता है आपका ऊपर आ जाता है, कहां आ जाता है ऊपर, बीच में जो है वो न्यूट्रल हो गया, तो जितना आपके इस क्षण के पास पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इस वस्तु को निगेटिव कर देगा। अब हम आपसे पूछेंगे कि जो चार्जिंग बाय इंडक्शन में, ठीक है, नेचर कैसा होगा वस्तु का, अपोजिट, क्योंकि ये प्लस बढ़ाया था अगर माइनस करके चला गया, ठीक है, और जितना प्लस इस पे था उतना माइनस किया उतना निगेटिव किया, मैग्नीट्यूड में क्या होगा सेम, ठीक है, कोई दिक्कत, बात याद रहेगा क्या, बात याद रहेगा आप लोगों को, या खाली बैठा रहे बोलो जी हाँ कुछ भी, चलो आया देखो तो हंसो नहीं, नेचर कैसा होगा अपोजिट, मतलब विपरीत, हिंदी में लिख दिया था पीछे, हर बार हिंदी में लिखेंगे, और जो मैग्नीट्यूड होगा हम जानते हैं, बोलो 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 बोलो
गफा मतलब क्या होता है फिल्म उलिम में देखेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है भाई, पर विशेष नहीं मोबाइल में। चलो ये हो गया, ये समझ में आया। एक बार रिवीजन, चार्जिंग वाइब्रेशन में दोनों बॉडी कैसा लेते हैं, न्यूट्रल उदासीन लेते हैं, लेकिन जब दोनों पर घस आ जाता है, घस के अगर आवेशित करेंगे, आप बताइए मुस्कान दोनों पर कैसा चार्ज आएगा, तनी जोर से बोलिए हमें सुनेंगे, अपोजिट। चलिए बहुत बढ़िया, आप बैठ जाइए श्वेता, आप बताइए दोनों पर जो मैग्नेट्यूड होगा वो कैसा रहेगा, जोर से बोलना सेम, ठीक है बैठ जाइए। चार्जिंग बाय कंडक्शन में, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, क्या सेम होता है, मतलब उसमें होता क्या है, नेचर में सेम होता है मैग्नीट्यूड में, और उसको क्या किया जाता है, उसमें चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन में छुआ करके उसको कॉन्टेक्ट में ला करके सिर्फ सटा कर उसको चार्ज करते बैठ जाइए। तुम बताओ नंदनी, चार्जिंग बाय इंडक्शन में चार्ज कैसे करते हैं, पास लाते हैं, सेम होता है, बैठ जाइए। चलिए यार ये बात समझ में आ गया, नहीं भूलेगा सब, नहीं नहीं भूलेगा, इसीलिए एग्जाम्पल वगैरह लिए। तो चलिए भाई साहब, क्वेश्चन करने से पहले एक और हम चीज बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि ए और है, सुनो एक बस ए है एक बी है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट मतलब समझते हैं, उनको ना भाई कते फोन करता है, एक दूसरे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और बी और सी भी है, बी और सी भी एक दूसरे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए और सी क्या करेगा एक दूसरे को रिपल करेगा, कैसे सुनिए, ए और बी अट्रैक्ट कर रहा है, ए और बी क्या कर रहा है, तो अट्रैक्ट कब करेगा, जब दोनों पे अपोजिट चार्ज होंगे, तो इस पे मान लेते हैं अगर प्लस है इस पे माइनस है तो ये अट्रैक्ट करेगा। सी सी क्या है, और बोला है इसको भूल जाइए, इधर लगा दीजिए, बी और सी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, बी और सी अट्रैक्ट, अट्रैक्ट जब इस पर निगेटिव है इस पर पॉजिटिव होगा तब ना अट्रैक्ट करेगा, तो ए और सी क्या करेगा, बात समझ में आया ना, समझ में आ रही, नहीं समझ में आया, आ गया, ए है ए पर और बी पर दोनों तक अट्रैक्ट, तो पहले यहाँ पॉजिटिव माने थे, अभी मान लेते ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, अभी तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अब बोला अगला बार कि बी और सी भी अट्रैक्ट करा, तो इसको छोड़ दीजिए, अब बी और सी, तो बी पर तो पॉजिटिव आया है, सी पर क्या लेंगे जो अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव, तो ए और सी क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, क्या करेगा, तो आइए आप क्वेश्चन वगैरह शुरू करते हैं, क्या तो जिससे पूछेगा वही जवाब देगा, विशेष हमारे किशन जी खड़ा हो, ये कावन लाख का सवाल है, बोलिए वेन और ऑड, अच्छा पॉज करके अपने समझ जाइएगा कि हमको बताना पड़ेगा ना, वेन और रॉड ऑफ ग्लास इज राउंड विद सिल्क रॉड ऑफ ग्लास इज, यानी कि जब रॉड ऑफ ग्लास को ग्लास के छड़ को रब्ड किया जाता है, रगड़ा जाता है सिल्क क्लोथ से, सिल्क से, तो ग्लास रॉड पर क्या आएगा, कौन चार्ज, कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बहुत बढ़िया है, बढ़िया बताए, कौन सा चार्ज आएगा, थोड़ा देखते बात, थोड़ा देखते माने आते मिट्टी वाला कहीं आते हो, छुट्टी मिट्टी वाला के 10 तारीख, चले देखिए, ध्यान दीजिए, अच्छा इसका हिंदी ना लिखे चलेगा ना, नेगेटिव मतलब ऋण आगे, पॉजिटिव मतलब धन आगे, न्यूट्रल मतलब उदासी, लिख लीजिएगा आप लोग, आप लोग लिखिएगा हिंदी दोनों, आप लोग लिख लीजिएगा ना भाई, ना लिखो बैठो किशन, तू बैठो, हाँ क्या नाम है उसका, इसके पीछे किशन के पीछे साजन खड़ा होइए, वेन और रॉड ऑफ ग्लास इज राउंड विद सिल्क, सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस यहाँ पे क्या कर दिया, सिल्क मत क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, क्योंकि सिल्क का जो क्लोथ है वो रॉड से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसपे निगेटिव चार्ज, और जो रिलीज करेगा उसपे, तो कोई दिक्कत बढ़ा जाओगे, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अब लड़की में से पूछेंगे, खड़ा हो, क्या नाम है तुम्हारा, बैठो बैठो, क्या नाम है, अंशु कुमारी, वेन और रॉड ऑफ प्लास्टिक, अरे प्लास्टिक के कथी दिए बता तो, प्लास्टिक इज रॉड विद वूलन, वूलन क्लॉथ, यानी प्लास्टिक के रॉड को हम किस पे, किस पे, वूलन मतलब ऊनी कपड़ा से, अरे लिखा बताइए है, प्लास्टिक के छड़ को हम क्या कर रहे हैं ना, ऊनी से रगड़ रहे हैं, ठीक है,
तो बताइए प्लास्टिक के छत पर कौन आवेश होगा, ध्यान से बताइएगा। एक प्लास्टिक है, एक ऊन है, दोनों को रगड़े हैं, तो प्लास्टिक पे कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? बहुत बढ़िया बात है, निगेटिव मतलब ऋण आवेश, क्योंकि उसमें था कि वह उसमें जो था वो सिल्क क्लोथ था, वो रॉड से इलेक्ट्रॉन खींच लेता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है प्लास्टिक में है और उलेन में है, तो प्लास्टिक क्या करता है, उलेन से ऊनी कपड़ा से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो प्लास्टिक निगेटिव हो गया। क्या कंफ्यूज नहीं कीजिएगा इसमें मेरे भाई। हाँ, तो वेन और रॉड ऑफ प्लास्टिक इज रॉड विद किया उलेन क्लोथ, तो उलेन पर कौन सा चार्ज होगा? उलेन पर क्या बोलती है, जब पूछेंगे तुम्हारा बारी आएगा तब बोलना। अब बताओ रूपा कुमारी, पॉजिटिव, इतनी जोर से बोलो ना इसमें सुने। हाँ, खाओ बनाती है ना, क्या बजे क्लास रहता है, खा के लगाती है 8 बजे तक, खाओ क्या सकती है। अच्छा ठीक है, चलो बच भाई, आइए आप देखिए, ये तो हो गया उस लेक्चर का सवाल। अब जो है एक, अच्छा इस लेक्चर से एक और क्वेश्चन लेते हैं, या ये क्वेश्चन कराएंगे पिछड़ा क्वेश्चन समझ लीजिए। चार्ज ए एंड बी अट्रैक्टेड ईच अदर, ए और सुनिए हिंदी में ना लिखे तो चलेगा ना, कि ए देखिए आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तथा आवेश बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ना आवेश ए और सी क्या करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, रिपल मतलब था प्रतिकर्षण, एक दूसरे को, इच अदर मतलब एक दूसरे को, एक दूसरे का करेंगे। अब बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को दोनों माध्यम में क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश माध्यम में भी और हिंदी माध्यम में, तो जो बच्चा का अंग्रेजी में ना समझ में आता है वो हिंदी में समझ लिए, और जो हिंदी में ना आता है वो अंग्रेजी में समझ लिए, का लेकिन क्या, तो ये आप लोगों को बेनी मिले कि दोनों में बताया जा रहा है हर चीज को, क्या जो कहीं इंग्लिश माध्यम में जो पढ़ता होगा बच्चा होगा हिंदी का नॉलेज नहीं होगा उतना, इतना इस क्लास से मिल जाएगा, आज जो हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे पूरा भी इंग्लिश का नॉलेज हो रहा होगा, क्या बात को थोड़ी समझिए। हाँ, इससे होगा ट्रांसलेट पावर आपकी बढ़ेगी, कोई दिक्कत इसमें, ये समझाया ना पीछे अभी जस्ट। हाँ, अभी सवाल करते हैं, सवाल क्या है, कहां गए, पढ़ा कि इन रिलेशन जिससे पूछे वो बताएगा, कोई मतलब बीच में नहीं बोलेगा, विमलेश भाई कराओ क्यू बराबर एन इन विच नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज, एन का कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो संभव नहीं है इसमें, अरे क्वांटाइजेशन अब चार्ज में पड़े थे, एन बराबर क्यू बराबर प्लस माइनस नहीं, क्यू होता है चार्ज ऑन बॉडी, एन होता है इंटीजर, और ई होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार दशमलव दू, क्योंकि एन होता है आपका इंटीजर, इंटीजर में प्लस माइनस जीरो आएगा, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, ये सब दशमलव में नहीं आएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कल ही बताए। आइए देखिए पीछे वाला क्वेश्चन लाते रहते हैं, क्या है जी, कल भी तो हुआ है ऑब्जेक्टिव इसमें, ऑब्जेक्टिव कल भी तो हुआ है 10-15 की। हाँ चलिए, और चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिटेन एज अ क्यू बराबर एन ई वेयर एन बराबर, एन बराबर क्या होगा, कहा लॉक किया जाए इसी को, आ हरिओम जिससे पूछेंगे बताइएगा, पहली बोल दिए कि पहले जिससे पूछेंगे बताइएगा, हरिओम खड़ा हो बोलो क्या होगा, कैसे सी होगा, कल बताया था ना एन बराबर जीरो प्लस माइनस जीरो वन, हाँ प्लस माइनस जीरो एक दो तीन, चलिए बैठ जाइए, ये तो बता दिया हमने। अच्छा जी देखिए, हिंदी जिसको लग रहा हो कि सर हमको हिंदी चाहिए ही, हम नहीं लिख पाएंगे घरे नहीं लिख पाते हैं, ठीक है तू बोलिएगा हम लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, समझे। वेन अ बबल इज बबल सोप, बबल सोप मतलब साबुन का बुलबुला, हाँ चार्ज इट रेडियस, जब चार्ज किया जाता है उसको तो उसका रेडियस बढ़ेगा घटेगा, तो जब चार्ज करेगा तो बुलबुला बढ़ता है कमता है ना, देखते हैं बढ़ता है ना, वो छोटा से बड़ा हो जाता है इतना बड़ा, ठीक है तो उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, रुक जाइए बढ़ेगा घटेगा, क्या नाम है तुम्हारा, काम नहीं खराब बोलो, बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है बोलो ये, हाँ डिक्रीज, अरे बढ़ेगा तो इंक्रीज, अभी तक इतना इतना हिंदी नहीं मालूम है, हाँ
चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब झाग को मिलाते हैं साबुन को पानी मिलाते हैं तो बुलबुला बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो चार्ज होता है पानी में जो साबुन है वो चार्ज होता है, आवेशित होता है, क्योंकि पानी को और साबुन को रगड़ाता है। लियोफोबिक और लियो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफोबिक हमको चैप्टर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन जिसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे उसको कि कपड़ा को हम धोते हैं तो कौन इलेक्ट्रोफिलिक है कौन लियोफिलिक है, ठीक है, उसमें आपको मालूम चल जाएगा केमिस्ट्री के चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है, वहां पे कपड़ा में जो मैल रहता है तेलीय पदार्थ रहता है वो कैसे छूट जाता है, कैसे पानी के रिएक्शन करके कैसे छूटता है, तो वहां पे है कौन जो होता है किसको जल से प्यार होता है किसको तेलीय पदार्थ से प्यार होता है, तो वो वहां पे है, ठीक है। तो वही बात जब साबुन का रिएक्शन पानी से होगा तो उसमें बुलबुला जो बनता है यानी कि दोनों चार्ज होते हैं आवेशित होते हैं ना, आवेशित से जब चार्ज होता है तो क्या होता है बुलबुला बढ़ता है, बढ़ता तो बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा कमेगा, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा बढ़ेगा, कहा है वो इनक्रीज, याद रख लो इनक्रीज मतलब बढ़ना, इनक्रीज डिक्रीज मतलब घटना, इतना इंग्लिश नहीं मालूम है जाओ पकड़ लो, क्लासों के तो बहुत समय दे। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा था अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और एक बात आप रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि जो आगे वाला क्लास देखने से पहले पीछे वाला क्लास देख के आया कीजिए, ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, फुलम सुलम में, तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए रिविजन करते रहिए, ऑल द बेस्ट।